नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। छुट्टी पर घर आए सेना के जवान की सड़क हादसे में मौत, साथी गंभीर रूप से घायल। शहर में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं काठगोदाम थाना क्षेत्र अंतर्गत रानीबाग HMT फैक्ट्री के पास सड़क हादसे में सेना के एक जवान की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कांग्रेस विधायकों ने मुख्य सचिव पर लगाया प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप, विधानसभा अध्यक्ष ने दिया कारण बताओ नोटिस। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि चार दिन तक चले विधानसभा सत्र की कार्यवाही के दौरान न सिर्फ विपक्षी काफी आक्रामक भूमिका में दिखाई दिए, बल्कि विपक्ष के सवालों पर कई मंत्री घिरते हुए भी नजर आए। यही नहीं, विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन सदन की कार्यवाही के दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी के आदेश पर प्रदेश के एक उच्च अधिकारी को प्रोटोकॉल उल्लंघन के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सरकार के इशारे पर काम करने वाले अधिकारियों को सबक सिखाएगी कांग्रेस, बीजेपी ने किया पलटवार। उत्तराखंड विधानसभा में अपने आप में पहला मौका होगा जब विपक्ष के सभी विधायकों को निलंबित कर दिया गया। मामला विपक्ष के विधायक के विशेषाधिकार हनन का था। हालांकि इसमें सदन को गलत जानकारी देने की बात पर विधानसभा अध्यक्ष ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस ने ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाने की चेतावनी दी है जो सरकार का पिट्ठू बनकर काम कर रहे हैं। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 7 प्रस्तावों पर लगी मुहर, विधवा पुत्र वधु भी मृतक आश्रित में शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में 7 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इसके तहत विधवा पुत्र वधु को भी मृतक आश्रित में शामिल किया गया है, जो अहम फैसला माना जा रहा है। साथ ही निजी वन अधिनियम में अब वित्तीय दंड का प्रावधान होगा। इसके अलावा अन्य निर्णय भी लिए गए हैं। केदारनाथ मार्ग पर प्रशासन ने किया अतिक्रमण हटाओ अभियान, वसूला जुर्माना। केदारनाथ यात्रा शुरू होने से पूर्व प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा से संबंधित मार्गों से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। पैदल मार्ग के साथ ही केदारनाथ यात्रा के मुख्य मार्ग और केदारनाथ हाईवे पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। स्थानीय लोगों की ओर से अतिक्रमण करके बनाए गए होटलों और अस्थायी दुकानों पर कार्रवाई जारी है। बुलडोजर के द्वारा भी यहां अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। देहरादून का ट्रैफिक सुधारने के लिए चल रहा ऑपरेशन, 215 वाहनों पर कार्रवाई, 67 गाड़ियां सीज। देहरादून यातायात पुलिस को समय से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए विक्रम और सिटी बसों का चेकिंग अभियान चला रही है। इसी कार्रवाई में पुलिस ने 2 दिन में 180 विक्रम और 35 के करीब सिटी बसों के खिलाफ कार्रवाई की, 67 वाहन सीज किए गए हैं। वहीं उधम सिंह नगर में भी ARTO ने 10 कमर्शियल वाहनों को सीज किया है। दरवाजे पर लगी थी कुंडी, कमरे के अंदर थी माँ और 3 बच्चों की लाश। जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। मंडल सेरा के जोशी गांव में एक घर से दुर्गंध आ रही थी। स्थानीय लोगों ने किसी अनहोनी की आशंका को लेकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब घर का दरवाजा खोला तो अंदर 3 बच्चे और एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा हुआ था। बागेश्वर पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। चारों शव 1 हफ्ता पुराना बताया जा रहा है। विपक्ष के हंगामे के बीच बजट पारित, सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन सदन के भीतर आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय व्यय पर सामान्य चर्चा हुई। इजोन नेता प्रतिपक्ष के स्पीच के बाद मंत्री सौरभ बहुना के बोलने पर विपक्ष नाराज हो गया और नारेबाजी करते विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन ने विभागवार बजट पारित कर दिया। इसके बाद सदन को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। राजस्व उपनिरीक्षकों को मिलेगी बाइक, अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट पहुंची 8 मोटर साइकिलें। जिले के राजस्व उपनिरीक्षकों को जल्दी बाइक उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से अल्मोड़ा जिले के लिए 8 मोटर साइकिल भेजी गई हैं, जो अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच चुके हैं। इनमें से 5 बाइक अल्मोड़ा तहसील और 3 सोमेश्वर तहसील को दी जानी है। राजस्व उपनिरीक्षकों को बाइक उपलब्ध कराने से उनके कार्य में गति में तेजी आएगी। सितारगंज के दलजीत और हरबंस हत्याकांड मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, 7 दोषियों को उम्र कैद। सितारगंज के दलजीत सिंह और हरबंस सिंह हत्याकांड मामले में 7 लोगों को दोषी ठहराया गया है। यह हत्याकांड साल 2018 में हुआ था। इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुद्रपुर ने 7 आरोपियों को आजीवन कारावास और 7,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। मालकिन ने नौकर के हाथ बहन को भेजा 10 लाख कैश लेकर रफू चक्कर हुआ अनोखे लाल। हल्द्वानी में ज्वेलरी कारोबारी महिला को अपने नौकर पर विश्वास करना भारी पड़ गया। महिला ने नौकर के हाथों 10 लाख रुपए दिल्ली में रहने वाली अपनी बहन को भेजा, लेकिन नौकर पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया। मामले में पीड़िता ने SSP से मदद की गुहार लगाई। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। धामी सरकार का बड़ा फैसला, छात्रों पर दर्ज मुकदमे लेगी वापस। विधानसभा सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। CM पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि पिछले दिनों देहरादून में पथराव के बाद युवाओं पर लाठीचार्ज हुए थे, उसमें कुछ बच्चों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। ऐसे में जिन छात्रों को आगामी परीक्षा में भाग लेना है उनके मुकदमे को सरकार वापस लेगी।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवा ही हमारे भविष्य है और हमारी सरकार उनके हितों के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही सीएम धामी ने विपक्ष से आग्रह किया कि नकल विरोधी कानून का विरोध करने के चलते युवाओं को सड़कों पर न उतारें, क्योंकि सरकार युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए सरकार नकल विरोधी कानून लेकर आई है। महिला की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर अश्लील पोस्ट करना पड़ा महंगा, बरेली से दो आरोपी गिरफ्तार। आखिरकार पुलिस ने महिला के नाम की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर अश्लील पोस्ट और कमेंट्स करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी यूपी के बरेली के रहने वाले हैं। पुलिस की माने तो दोनों आरोपी साल 2021 से फरार चल रहे थे। दोनों आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में बेचकर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। बहुप्रतीक्षित ल्वाली झील निर्माण का रास्ता साफ, डीएम ने दिए शीघ्र निर्माण के निर्देश। बहुप्रतीक्षित ल्वाली झील निर्माण को लेकर डीएम डॉक्टर आशीष चौहान गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने झील का निरीक्षण कर उसे शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पौड़ी ब्लॉक के अंतर्गत ल्वाली झील का काम पूरा नहीं होने के चलते सोशल मीडिया पर ये खबरें सुर्खियों में बनी रहती हैं, जिसको लेकर डीएम ने अब अधिकारियों को इसे शीघ्र पूरा करने को कहा है। महाविद्यालय में अब मिलेगा उद्यमिता और कौशल विकास का प्रशिक्षण, मेधावी छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा के तहत कई नई पहल की जा रही है। इसी के तहत राज्य के महाविद्यालयों में शोध को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया जा रहा है। यही नहीं, उद्यमिता एवं कौशल विकास का प्रशिक्षण देने का भी काम महाविद्यालयों में किया जाएगा। साथ ही मेधावी छात्रों को भी छात्रवृत्ति दी जाएगी, इसको लेकर बजट में प्रावधान किया गया है। व्हीकल ट्रैकर और श्रद्धालुओं की सीमित संख्या पर परिवहन संघ की आपत्ति दी चेतावनी। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के दौरान वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्यता पर उत्तराखंड परिवहन महासंघ ने नाराजगी जताई है। महासंघ के पदाधिकारियों ने सरकार से ट्रैकिंग डिवाइस लगाने की बाध्यता को समाप्त करने और मंदिरों में सीमित श्रद्धालुओं को भेजने की व्यवस्था खत्म करने की मांग की है। पूर्व बीजेपी नेता का भाई गिरफ्तार, संजय धारीवाल को छिपाने में की थी मदद। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सहायक अभियंता और अवर अभियंता यानी एई जेई पेपर लीक मामले में 10वीं गिरफ्तारी हुई है। इस बार एसआईटी ने सुधीर धारीवाल को गिरफ्तार किया है। सुधीर धारीवाल पूर्व बीजेपी नेता संजय धारीवाल के भाई हैं। सुधीर ने ही संजय धारीवाल को छुपाने में मदद की थी, साथ ही अभ्यर्थियों से पेपर भी कटवाया था। नशे के लिए पैसे नहीं देने पर भाइयों में झगड़ा, कुल्हाड़ी लगने से एक की मौत। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लिब्बर हेड़ी गांव में नशे के लिए रुपए नहीं देने पर बड़े भाई सचिन छोटे भाइयों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस दौरान बीच बचाव में आई बड़ी बहन चोट लगने से जख्मी हो गई। इस दौरान दोनों भाइयों ने सचिन पर डंडे से वार किया। वहीं भाइयों पर कुल्हाड़ी से हमला करते वक्त सचिन खुद इसकी चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद दोनों छोटे भाई मौके से फरार हो गए। मृतक के गर्दन पर कुल्हाड़ी और सिर पर डंडा लगने के निशान है। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके से खून से लथपथ कुल्हाड़ी बरामद कर ली है और आरोपी की माँ बहन से घटना की जानकारी ले रही है। हल्द्वानी में चार गांव सड़क और पुल की सुविधा से दूर, अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। हल्द्वानी के लक्ष्मपुर, नकायल, विजयपुर और पहाड़पानी गांव को सड़क एवं पुलों से जोड़ने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने अवमानना याचिका को निस्तारित कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर सरकार को 3 महीने के भीतर निर्णय लेने को कहा। इसके अलावा कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी आदेश दिए हैं कि इस संबंध में वो सभी दस्तावेजों के साथ 2 हफ्ते के भीतर अपना प्रत्यावेदन सरकार को सौंपे। करण महाना ने सीएजी रिपोर्ट पर धामी सरकार को घेरा, पेंशन राशि में हेरा फेरी का लगाया आरोप। उत्तराखंड विधानसभा सत्र में बजट पेश हो चुका है, जिसके बाद कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाना ने कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पेंशन की धनराशि में हेरा फेरी का आरोप लगाया, साथ ही अन्य मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। जीआईसी भराड़ीसैंण पहुंचे सीएम धामी, आर्ट क्राफ्ट कक्ष और पुस्तकालय का किया लोकार्पण। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल राजकीय इंटर कॉलेज भराड़ीसैंण में आर्ट क्राफ्ट कक्ष और पुस्तकालय का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं को फुल डे की शुभकामनाएं दी, साथ ही बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्रों को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने की शुभकामनाएं दी। लक्सर में युवक पर लगा शादी का झांसा देकर रेप का आरोप, परिजनों के साथ थाने पहुंची पीड़िता। हरिद्वार के लक्सर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक गांव निवासी युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। अब पीड़िता और उसके परिजनों ने पुलिस को शिकायत देकर आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मसूरी में लिफ्ट मांगकर कैश चुराने वाले दो आरोपी गिरफ्तार। लक्सर में सपेरा गैंग चढ़ा हत्थे। मसूरी में लिफ्ट मांगकर 2.88 लाख रुपए चुराने के मामले में पुलिस युवक और युवती को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपी ने पहले लिफ्ट मांगी थी, फिर कार में रखे कैश पर हाथ साफ कर लिया था। वहीं लक्सर में सपेरा गैंग के 4 आरोपी भी पुलिस के हत्थे आए हैं। अंकित हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग को लेकर महिला कांग्रेस का विधानसभा कूच, पुलिस से हुई जोर आजमाइश। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच और कथित वीआईपी के नाम के खुलासे की मांग को लेकर महिला कांग्रेस ने विधानसभा कूच किया, लेकिन उन्हें पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक लिया, जिससे न प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ जमकर जोर आजमाइश हुई। वहीं 2 घंटे तक चले जोर आजमाइश के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और मेहर चौरी पहुंचाया।
1424 शिक्षक पुरानी पेंशन के लाभ से वंचित विधायकों के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के आदेश। गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान प्रश्नकाल में सत्ता और विपक्षी दल के विधायकों ने शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलने को लेकर सवाल उठाया, जिसके जवाब में धन सिंह रावत ने कहा कि 1 अक्टूबर 2005 के बाद बहाल शिक्षकों को नई पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। वहीं 1424 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सितंबर 2005 में मिलने के बावजूद पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलने पर जांच के आदेश दिए। उत्तराखंड से संबंधित ऐसे ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।